इस ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे कीबोर्ड शॉर्टकट के बारे में जानकारी। कीबोर्ड शॉर्टकट के बारे में जानकारी के लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि कीबोर्ड शॉर्टकट बनाने के लिए अधिकतम 4 कीज का प्रयोग किया जा सकता है। उन कीज को हम कमांड, शिफ्ट, कंट्रोल और ऑप्शन के नाम से जानते हैं। इन चारों कीज में सबसे ज़्यादा कमांड की का प्रयोग किया जाता है। यदि आप अपने कीबोर्ड पर नज़र डालेंगे तो देखेंगे स्पेस बार के दोनों ओर एक एक कमांड की मौजूद है। कमांड की का आइकन पुल डाउन मेनू और कीबोर्ड में एक जैसे ही हैं, जिससे इन्हें बहुत ही आसानी से पहचाना जा सकता है। अगली की है ऑप्शन की, जो कि कीबोर्ड में दोनों ओर कमांड के पास होती है, लेकिन इसका कोई आइकन नहीं है। चलिए हम आपको पुल डाउन मेनू में इसका आइकन दिखाते हैं। ऑप्शन 6, ऑप्शन 7, ऑप्शन 8, ऑप्शन 9 और ऑप्शन 0, ये ऑप्शन का आइकन है। टूल्स मेन्यू में लगभग सभी शॉर्टकट कीबोर्ड के लिए ऑप्शन का प्रयोग किया गया है। अगली की है शिफ्ट। एडिट मेन्यू में रीडू का कीबोर्ड शॉर्टकट है शिफ्ट कमांड शिफ्ट। इसका आइकन केवल अप एरो जैसा होता है। इसका प्रयोग लगभग हर मेन्यू में किया गया है। अंतिम की है कंट्रोल। ये मार्क मेन्यू में सेट पोस्टर फ्रेम में का शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल पी। इसको याद रखना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं। इसका आइकन कुछ ट्रायंगल जैसा है, इसका बेस नहीं होता है। कीबोर्ड का प्रयोग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि बहुत सारे ऑप्शन ऐसे हैं जो 2 या 3 मॉडिफायर की का प्रयोग करते हैं, जैसे फाइल मेन्यू में सेव आल का शॉर्टकट ऑप्शन कमांड एस। पहले हम ऑप्शन और फिर कमांड को प्रेस करते हैं, दोनों को होल्ड रखते हुए एस की को दबाते हैं, तभी यह कीबोर्ड शॉर्टकट कंप्लीट होता है और किया गया कार्य संपादित हो जाता है।